दोस्तों विक्टरा ब्रेजा जैसी एसयूवी लुक वाली मारुति इग्नेस हुई पेश। चलिए जानते हैं कीमत और फीचर्स के बारे में। दोस्तों अभी तक आपने हमारे न्यूज एंड हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल बटन दबा के चैनल को कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, और साथ में दोस्तों जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन को नहीं दबा रखा तो साइड में बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, सबसे ऊपर वाले ऑल ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी को हमारी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। तो जैसा कि दोस्तों देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने ग्रेटर नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सपो 2020 में अपनी हैचबैक कार इग्नेस का अपडेट वर्जन लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने भारत में चल रहे BS6 के अनुकूल पेट्रोल इंजन वाली नई इग्नेस फेसलिफ्ट को लॉन्च किया है। दोस्तों इंटीरियर की बात करें तो इस कार में अब आपको 7 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलने वाला है जो कि एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों को ही सपोर्ट करता है। इस सिस्टम की खास बात दोस्तों एक और है कि ये सिस्टम आपके वॉइस कंट्रोल से चलता है, जो भी आप कमांड दोगे दोस्तों वो आपकी कमांड को फॉलो कर सकता है। ट्रैफिक का ताजा हाल भी दोस्तों ये इंफोटेन सिस्टम आपको बताएगा, आवाज की पहचान भी ये करता है और चालक को सुरक्षा के प्रति संचेत करते रहने की जानकारी भी आप सभी को देता है। अगर दोस्तों नई इग्नेस फेसलिफ्ट के इंजन की बात करें तो नई इग्नेस में आपको K12 1.2 लीटर का इंजन देखने को मिलता है जो कि पावर के मामले में पुराने मॉडल के मुकाबले आपको कहीं ज्यादा पावर प्रदान करता है, जो कि 83 हॉर्स पावर की ताकत और 113 न्यूटन मीटर के टॉर्क पर प्रदान कर पाने में सक्षम है। अगर दोस्तों इसकी माइलेज की बात करें तो ये कार आप सभी को 26 के करीबन आराम से माइलेज दे सकती है, ये है कंपनी का कहना। और दोस्तों बताना चाहूँगा इसका इंजन BS6 होने वाला है और अपडेट नाम्स के साथ दोस्तों इसके अंदर आपको 6 स्पीड मैनुअली और ट्रांसमिशन दोनों का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर एक्सटीरियर की बात करें तो कार के एक्सटीरियर यानी बाहर के लुक की बात करें तो यहाँ आपको फ्रंट और रियर दोनों में ही नया लुक देखने को मिलने वाला है। कार को रफ एंड टफ लुक देने के लिए बम्पर में आपको बदलाव देखने को मिलते हैं। इसका फ्रंट ग्रिल मारुति की कॉम्पैक्ट एसयूवी यानी विक्टरा ब्रेजा जैसा ही लगता है। मारुति ने इग्नेस में अब दो नए कलर ऑप्शन आप सभी को दे दिए हैं। इसके अलावा जो ग्राहक डुअल टोन कलर लेने की इच्छा करते हैं उनके लिए भी अब 3 नए कलर ऑप्शन में ये कार उपलब्ध करवाई गई है। अब दोस्तों बारी आती है कीमत और लॉन्चिंग के बारे में। तो लॉन्चिंग की बात करी जाए तो दोस्तों भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी इग्नेस फेसलिफ्ट को हम सभी के लिए मार्च या फिर अप्रैल में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। कीमत की बात कर ली जाए तो दोस्तों मध्यवर्गीय परिवारों को देखते हुए ये 5 सीटर कार आप सभी के लिए 3.60 लाख रुपीज में मार्केट में अवेलेबल होगी। 2 वेरियंट में दोस्तों भारतीय बाजार में उतारी जाएगी। टॉप वेरियंट दोस्तों इसका 5.30 लाख रुपीज तक जाने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में फटाफट जाइए, अपनी राय हमें बताइए कि नई इग्नेस फेसलिफ्ट वेरिएंट आप सभी को कैसा लगा, और वीडियो को बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे दोस्तों हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।